मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि छतरपुर के गडीम लहरा में ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। छतरपुर में आयोजित ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा को गठबंधन पच नहीं रहा, इंडिया तो बस एक बहाना है, बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको 2024 में बाहर का रास्ता दिखाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, जब उनसे हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को अचानक भारत से प्रेम कैसे होने लगा, ये लोग भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 सम्मेलन को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने G20 सम्मेलन को ढाक के तीन पात की संज्ञा दी और कहा कि इन सम्मेलनों से देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, इस पर आखिर कब ध्यान दिया जाएगा। भागवत जी को पहले से मालूम है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।